श्री राधे श्री राधे। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन। श्रीमद् भगवद गीता की इस पावन उपदेश स्थली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को नमन। और स्मरण करते हुए उस अवसर का जब 5160 वर्ष पूर्व इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके समूची मानवता के लिए, जन जन के लिए, कण कण के लिए, प्राणी मात्र के लिए गीता का दिव्य संदेश दिया। उस अवसर का स्मरण करते हुए कल के भाव की ओर के साथ आगे बढ़ते हैं, जो एक प्रारंभिक भूमिका के रूप में कुरुक्षेत्र की महिमा, कुरुक्षेत्र में ही युद्ध क्यों, कुरुक्षेत्र में ही गीता उपदेश क्यों, और गीता उपदेश के लिए युद्ध का वातावरण ही क्यों। आश्चर्य तो लगता ही है, विश्व भर के चिंतक विचारक आज भी आश्चर्यचकित होते हैं कि गीता जैसा दिव्य ज्ञान, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान युद्ध की भूमि में, युद्ध की धारा में, अशांत वातावरण में से निकला शांति का संदेश अपने आप में कुछ आश्चर्य सा भी, और बहुत विचारकों को लगता है कि कुछ विरोधाभासी सी बात है, कंट्राडिक्टरी सी स्थिति है। अशांति के वातावरण में शांति के का उद्घोष, दुर्भावनाओं और कलह क्लेश के वातावरण में से सद्भावना का उद्घोष, सद्भावना का संदेश निश्चित आश्चर्यचकित करने वाला लगता है। लेकिन सत्य यह है कि भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण की दूरदर्शिता, वो जानते थे, त्रिकालज्ञ तो थे ही, वेदाहम समतीतान वर्तमानान चार्जन भविष्याण च भूतान माम तु वेद न कश्चन। गीता के सप्तम अध्याय में ये सीधा उद्घोष, स्पष्ट उद्घोष करने वाले कृष्ण कि पार्थ, अतीत में जो कुछ हो चुका है और वर्तमान में जहाँ जो हो रहा है, और यही नहीं पार्थ, भविष्याण च भूतानि, भविष्य में भी कहीं भी प्राणियों के साथ जो होना है वो सब भी पार्थ मेरी दृष्टि से ओझल नहीं है, मैं सब जानता हूँ पार्थ। जानते थे भगवान कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है,